मौसम तो ऐसा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है एकदम। उधर पानी नहीं दिख रहा है, मैं तो यू देख रहा हूँ कि कहीं बाढ़ नहीं आ जावे। क्या कहना है के? मन का मन यहाँ नंद संबंध पर आकर कैसा महसूस कर रहा है? यहाँ आके लग कैसा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग एक जमुना जी के भाव से दर्शन करना प्लस अपनी आस्था को इसमें समाहित करने के हिसाब से आना सब पसंद करते हैं। राजसमंद झील तो इस बार छलके की। एक काम की बात बताऊँ, कल स्कूल जाना है। पता है संबंध अभी सभी की निगाहों में बना हुआ है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना लोगों से बात करें कि मानसून की शुरुआत में अमन ऐसे नजारे। हर बार तो क्या होता है, बारिश आती है और बारिश के बाद ऐसा लगता है कि कब तक भरेगा। अभी तो बारिश ना सिर्फ घंटी बजाई है और उससे पहले ही सारा पानी और सब फ्लो हो गया। तो कैसा, मतलब परिवार साथ आप आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नादवर हम बोलते हैं अतकी उत्सव। हाँ, मतलब जो होता है नियम का वो तो है ही है, अतकी ये अतकी उत्सव है, मतलब नियम का अब आएगी बारिश, अब आएगी। कानूनन जो आनी चाहिए वो तो बाद में आएगी, ये अभी पहले, मतलब ये क्या कहते हैं, ये तो अपने भाग्य से और अधिक जो मिल गया ये वो वाला मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, किस्मत से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा। तो आज पूरे परिवार, भाभी जी आपको शाम को खाने की छुट्टी मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल छुट्टी है। नंद संबंध देखेंगे और फिर जाते वक्त आप खाना। कोटा से आए हैं ये भी देखने? अच्छा, कोटा से आए आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। महिलाओं में इतनी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ आके लग कैसा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सीन है। ये आपके भाग्य में ही लिखा हुआ था, क्योंकि ये आज सुबह ही तकरीबन 3-4 बजे के आसपास ये चदर चली है और अभी तो ये काफ़ी द्वार गेट खोल दिए गए हैं। तो कैसा है, मतलब कोटा तो हमने सुना है, कोटा बैराज, और वो ये भी छोटा मोटा हमारे यहाँ का बैराज है? ये नहीं है, वास्तव में है, और उसके पीछे का लोकेशन बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है जी। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, मतलब दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही है, या तो है पानी या है प्रकृति, हरियाली, पानी, बस यहाँ आके आपको महसूस होगा कि बस इससे बढ़िया जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। आज तो लोग खूब अहिरा वेगा, खूब जहिरा वेगा, मतलब यूँ है कि टाटोल में तांतो लगे लोग मन करो। नहीं, ये तो एक्चुअली हमेशा ही जब नंद संबंध चल लगता है तो भीड़ तो आती रहती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 1 जून में पहली बार ये जून में ही छलक गया। इस बार जून में ही, हाँ, ये छलक गया बागेरी नाका और अपना नंद संबंध बांध। तो अब की बार, अब मानसून तो पूरा बाकी है, तो अब शायद मैं तो यू देख रहा हूँ कि कहीं बाढ़ नहीं आ जावे। बाढ़ वाली स्थिति नहीं है, अपने इसको फुल छलकाओ आप, तो जो पानी हमारे राजसमंद झील में, वो खारी फिटर खोलो और राजसमंद झील तो इस बार छलके की। जब छलकी थी तब मेरे वहाँ के फोटो हैं, मैं गया हूँ, मेरे बाप दादा ने 45 साल बाद छलकी थी, तब मैं गया था वहाँ फ़ोटो खिंचाने, और अभी भी छलकेगी, 100% गारंटी, राजसमंद की झील तो इस बार छलकेगी। मजो आवेग नहीं आवा, पानी वानी चाल तो रहे थे बराबर है। ये इधर ये इनसे बात करेंगे, इन्होंने पहला अणियों पहला कभी छलकी हो गई, याद आवेगी? याद तो मैंने कहीं आवे हो, ये तो छलकी रही थी। कतरिक देर आया था, कतरिक देर बैठा? 5 मिनट। कई खबर होनी मौत कहीं नहीं होनी, 5 मिनट आया। यूँ क्यों भाई, पानी आज चाल गया है, गेट खुल गया है, तब देख रहे हो, मजा नहीं रहो। मैं भी खा रहा हूँ बुड्ढा, मेरे कैमरामैन वो है पुष्कर जी, वो भी बुड्ढा खा रहे हैं। यहाँ पर भी दुकानदारी सच चुकी है, लोग आ रहे हैं, इनको भी अच्छा लग रहा है। भुट्टों के साथ इस मौसम का मज़ा कैसा लग रहा है? मौसम तो ऐसा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है एकदम। ये तो इंदौर वाली भाषा का ले जाए थोड़ा। तो मैं देखा था मैंने। अच्छा, देखा था? हाँ, जब ही तो बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से नया लाऊं अभी। और बोलो ना एक दो लाइन ऐसी। बस यही आता अभी तो। तो इंस्टाग्राम ज़्यादा देखना चाहिए। अब थोड़ा कम देखा, क्या करें। और जैसे जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, सबका मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है। आपका क्या नाम है? मन। ये मैंने मन शब्द इसीलिए बोला था क्योंकि हमारे पास जो खड़ा है उसका नाम मन है। तो मन का मन यहाँ नंद संबंध पर आकर कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हर बार तो आज तो स्कूल गए होंगे ना? नहीं, छुट्टियाँ चल रही है। छुट्टियाँ चल रही है और नंद संबंध और छलक गया फटाफट, तो मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। कितने बजे खबर आई कि नंद संबंध छलक गया? ये रात को कहा था। किसने कहा? पापा ने कहा था कि छलक गया। आपने उसी वक्त कह दिया होगा कि फिर चलना है आपने को?
हाँ कि सुबह चलेंगे। सुबह चलेंगे तो आप तो शाम होते होते आए हो। हाँ लेट हो गया पर पापा मंदिर गए थे तो है ना इसलिए। अच्छा अच्छा तो मेरे को ये बताओ कि हर बार तो क्या है कि पानी छलकता है जब मानसून आता है, बारिश लंबी चलती है उसके बाद छलकता है। इस बार तो बारिश की शुरुआत में पानी छलक गया तो लग रहा है कि अब तो पूरे मानसून ये बरसात की पूरी सीजन में हम यहाँ आएंगे। हाँ जून में। इस बार तो पूरे सीजन में यहाँ आओगे। हाँ पापा को टाइम होगा वैसे। ये कह रहा है पापा को टाइम होगा तो देखते हैं कितनी बार आ पाते हैं, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि मानसून जिस प्रकार से इतना जल्दी ही पानी की ये बौछारें लेके आया तो ज़्यादा आना पड़ेगा। हाँ वैसे नादवरा के लिए सबसे अच्छा स्पॉट है ये, शांति वाला भी है और सेफ भी है, और नादवरा की लोगों को प्रिय भी इसीलिए है क्योंकि इससे कुछ भावनाएँ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बनास नदी पे ऊपर है और बनास नदी यमुना जी का स्वरूप है, तो यमुना जी के स्वरूप के हिसाब से नादवरों की सबकी भावना जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे सब लोग एक यमुना जी के भाव से दर्शन करना प्लस अपनी आस्था को इसमें समाहित करने के हिसाब से आना सब पसंद करते हैं, और धीरे धीरे कर मिलेगा, डबल सावन है, डबल फ़ायदा मिलेगा और डबल यहाँ आना और इस जल का लाभ लेना, यमुना जी के जल का लाभ लेना सब जने पसंद करेंगे इसको। तो देखा आपने बड़ी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई, और नंद संबंध वैसे भी बढ़िया है, आपने कहा यमुना जी से है, और मैं थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो पानी की हिलोरों के साथ साथ नादवरा भी दिख रहा है, और पीछे विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा बड़ी अच्छे तरीके से दिख रही है, और थोड़ा सा आपने ये भी कहा है कि पानी का प्रवाह जल्दी आ गया तो थोड़ा सावधानी की भी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रियल। यहाँ क्या कर रहे हो? बैठ रही हूँ। क्या पानी? कहाँ पर है पानी? ये रहा ना पीछे। कहाँ से आया ये पानी? उधर से, सामने से। उधर से आया कि बरसात से आया? उधर से। उधर से उधर किधर से आया? उधर पानी नहीं दिख रहा है क्या? एक काम की बात बताऊं, कल स्कूल जाना है। पता है। मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया है? एक बात और बताऊं, कल इतनी जोर से बारिश आएगी पूरे दिन, सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगी कि कोई स्कूल ही नहीं जा पाएगा। मजा आ जाएगा ना बारिश में तो नाती रोज। ये देखिए लगभग पूरे परिवार आ रहे हैं, ये लोग तो काफी लोग, आप काफी देर से सेल्फी वेल्फी और सब ऐसा चल रहा है, तो मजा आ गया, मतलब नंद संबंध मानसून शुरू हुआ और छलक गया। हाँ बहुत अच्छा पानी आया है। क्या कहना है कि बहुत अच्छा नजारा है, सारी पब्लिक मतलब पब्लिक। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अच्छा आप अहमदाबाद से? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं घूमने के लिए आई हूँ। तो घूमने के लिए आए, पर आज ये ऐसी चीज हो जाती है, कई बार क्या होता है कि महिलाओं को जो बोलने का मौका मिलता है तो एक के ऊपर एक टूट पड़ती है कि मैं बोलूंगी। ये काफ़ी बार कम ऐसा होता है कि अचानक इतनी खड़ी होती है, जैसे बोलने का मौका होता है सब गायब हो गई, आपको अकेले छोड़ के चली गई मैदान में, आपको अकेले छोड़ के चली गई। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को तो है ऐसा नहीं। बहुत अच्छा मतलब कहना। घूमने आए हो आप? घूमने आए। तो यहाँ कैसा मतलब श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए, शिव मूर्ति के हो गए, और नंद संबंध छलक गया, तो फिर तो आपको और मतलब आपके तो फायदे हो गए। फायदे मैंने खूब इंजॉय किया। यहाँ मेरा पियर है। अच्छा ससुराल मजा नहीं आता? नहीं ससुराल में बड़ी सिटी में रहती हूँ, वहाँ तो और ज्यादा मजा है। मैं बस यही कहूँगी नहीं, आपके सासू जी नहीं देखेंगे, आप तो बोल दो जो भी है। देखें तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं। चलो थैंक यू। इनको पता चल गया सासू जी पे बात आ रही है, फटाफट खत्म करो मामला। पर अच्छा है, लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, और नंद संबंध का ये आनंद हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों तक पहुँचाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।